दोस्तों आने वाले आईपीएल 2023 के लिए केकेएन ने ब्रैंडन मैकुलम के रिप्लेसमेंट के तौर पे चंद्रकांत पंडित को अपना नया हेड कोच बना चुका है। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ चंद्रकांत पंडित कितना खतरनाक और सक्सेसफुल एक कोच है। जी हाँ दोस्तों, रणजी टूर्नामेंट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग सभी भारतीय प्लेयर्स इनको जानते और मानते हैं क्योंकि रणजी का सबसे सक्सेसफुल कोच है। तो चंद्रकांत पंडित ने केकेएन टीम को लेकर क्या कहे और आईपीएल 2023 के लिए केकेएन टीम का पूरा कोचिंग स्टाफ डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों केकेआर के पास काफी अच्छा मौका था विदेशी क्रिकेटर्स को हेड कोच बनाने का, लेकिन जब हेड कोच का नाम अनाउंस हुआ तो फैंस थोड़ा उदास तो थे, लेकिन चंद्रकांत पंडित का जो रिकॉर्ड है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, रणजी में अपना टीम को 6 बार चैंपियन बना चुके हैं और इस साल मध्य प्रदेश की टीम को लंबे 7 साल बाद चैंपियन बना चुके हैं और काफी इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि खुद मध्य प्रदेश टीम से खेलते थे। तो चंद्रकांत पंडित ने कहा है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आईपीएल एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन अंत में है तो क्रिकेट ही। तो इस फॉर्मेट का जो डिमांड है वो मुझे प्रॉपर मैनर और पैशन के साथ पूरा करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रेयस अय्यर के साथ 2 साल बिता चुके हैं और 2 बार रणजी फाइनल भी खेले हैं। हम लोग सभी जानते हैं आईपीएल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन लीग है और सारे प्लेयर्स ज्यादातर एक्सपीरियंस प्लेयर है। और दोस्तों जब उनसे बंगाल प्लेयर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों का जो स्काउट टीम है काफी टैलेंटेड है, अगर उनको बंगाल टीम से कोई बढ़िया सा प्लेयर मिल जाए तो जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों चंद्रकांत पंडित काफी एक्साइटेड है केकेआर टीम और प्लेयर्स को लेकर। कई सारे भारतीय प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे सूर्य कुमार यादव, सोशल मीडिया साइट पर उनको कांग्रेस भी भेजे है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगभग सभी प्लेयर्स का गुरु रह चुका है। तो दोस्तों अब आईपीएल 2023 के लिए केकेआर टीम की कोचिंग स्टाफ डिटेल्स के बारे में बात करें तो हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, बॉलिंग कोच है भरत अरुण, असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर, मेंटोर है डेविड हसी, फील्डिंग कोच है जेम फॉस्टर और असिस्टेंट बॉलिंग कोच है ओमकर सलवी। जी हाँ दोस्तों, पूरा कोचिंग स्टाफ डिटेल्स अब लोगों को बता दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या पंडित जी के आने से केकेआर टीम और भी मजबूत बनेगा या विदेशी किसी प्लेयर्स को खरीदना था केकेआर को? नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।